गेट के अंदर एंटर होने से पहले ही रोड से हमको एक फीमेल टाइग्रेस मॉर्निंग में हंट करते हुए दिख गई। तो यही होता है दोस्तों जंगल का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं बांधवगढ़ जंगल सफारी एपिसोड नंबर 30। इस एपिसोड में दो बातें खास है दोस्तों, एक तो हमारे गाइड इंद्रेश यादव जी और दूसरी बात हमारे कुछ दोस्त बने अहमदाबाद के बांधवगढ़ में ही शौर्य एंड कविता, जिनको 5 सफारी में टाइगर अच्छे से स्पॉट नहीं हुआ था और ये उनकी 6th सफारी थी हमारे साथ। तो चलिए आगे देखते हैं उनको 6th सफारी में टाइगर स्पॉट होता है क्या, और जानते हैं हमारे गाइड इंद्रेश जी का 30 साल का एक्सपीरियंस। जी जैसे आपको 30 साल हो गए जी काम करते हुए गाइड का जी, जंगल से जुड़े हुए जी, पहले से बचपन से ही होंगे? हाँ सर, मैं बचपन से हूँ। तो ऐसा कोई एक पल बताइए आपका जो मतलब आपको याद हो अभी तक। मेरा एक पल बहुत के साथ बोलिए, हाँ एलिफेंट के साथ, जो भी आपको याद हो। मेरा एक पल बहुत बड़ा खतरनाक पल था, 2003 29 ऑफ मार्च। हाँ मतलब आपको डेट भी याद है। हाँ 7 o'clock मॉर्निंग का टाइम था। ओके उस टाइम पर टाइगर शो होता था। हम लोग ये चार्जर पॉइंट जो बना हुआ है ना, वो चार्जर पॉइंट पहले ताला जोन में ही होता था। तो वहाँ पे मैसेज आया कि वहाँ पर टाइगर शो होगा। अच्छा, आज चक्करधरा में टाइगर शो नहीं होगा, आज चार्जर पॉइंट साइड मोहनी और बच्चों के पे होगा टाइगर शो। उसी दौरान हम लोग गए। हाँ। और एक हाथी। अच्छा। टाइगर खोजने के लिए। हाँ। गए और वहाँ के हम लोग को साथ कम से 5-6 गाड़ियाँ के बाद जो टाइगर है नहीं है, नहीं मिला। हाँ। और इसके बाद अचानक टाइग्रेस मोहनी करके हाँ। वो भागते हुए आई थी। हाँ। और उसके नाक और मुंह में खून। मैं बोल रहा था कि एक टाइग्रेस को आगे वाले मुझे असल से का उपयोग किए। और इसके बाद वो टाइग्रेस आती है मेरे पीछे। हाँ। और थोड़ा से अंदर जाती है, फिर रिटर्न होकर आके मेरी गाड़ी पर चढ़ जाती है। अरे बाप रे। और उसमें 3 फाउंडर घायल हो जाते हैं, 2 फाउंडर को। अरे आप वो जो राजवर्धन वर्मा जी की जो स्टोरी है, आप वही गाड़ी में थे? मैं उसी में था। अरे बाप रे, मतलब वो आपका एक्सपीरियंस है जी, जी। ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ अंकल आपसे मिलके। जी जी। और जब फिर टाइग्रेस क्या करती है, राइट में जाती है समथिंग मेरी गाड़ी से 4 फीट 10 फीट आगे। हाँ। फिर रिटर्न होके आती है। हाँ। और गाड़ी में जंप कर जाती है। हाँ। और 2 विदेशियों को अपने कब्जे में लेती है। हाँ। और एक लेडीज को उसी हाँ। में से हाँ। उसका नाखून लगता है। हाँ। राइट का जो अंगूठा होता है उसका पूरा मांस निकल आता है। और मेरा पांव उसके नीचे हो जाता है टाइग्रेस को, हल्का से मेरे को भी स्क्रेच आती है। मेरे लाइफ का पहला ये एक्सपीरियंस है। वो आप कैसे बोलेंगे? वो कभी नहीं बोल सकते। और मेरी इच्छा थी टाइगर छूने की, वाइल्ड टाइगर की। हाँ हाँ। मेरी जो इच्छा पूरी हो चुकी है वाइल्ड लाइफ में। तो दोस्तों आपने जो ये दिल दहलाने वाला किस्सा सुना इंद्रेश जी का, ये था 2003 में 29 मार्च और ये था मोहिनी टाइगर्स ने ये अटैक किया था, जो कि रात में किसी व्हीकल से एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई थी। दोस्तों इस सिचुएशन में वो टाइग्रेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी और किसी गाड़ी से हिट होने के बाद में उसने व्हीकल को देख के ये रिएक्ट किया। और ये बांधवगढ़ के हिस्ट्री की इकलौती एक घटना है दोस्तों जिप्सी के साथ। इंद्रेश जी का ये किस्सा सुन के हम आगे बढ़ चले जंगल में टाइगर की खोज में। एक्चुअली ये थोड़े से मतलब इनका बिहेवियर लाइक अ डम, मतलब ये दे आर डम एक्चुअली। ओके, इसलिए टाइगर इनको इजीली मार लेता है। चलो तो 2 मिनट रुकते हैं तालाब में। और फिर हम यहाँ एक तालाब के पास में टाइगर के लिए अलार्म कॉल सुनने के लिए खड़े हो गए। अंकल इस जगह का नाम क्या है? बन चलिए बोलते सर। फिर निकल गया इधर मगरा, कहाँ सारे में बिचल रोड से उधर पंजन जी नहीं। तो काटी हुआ तो कहीं ना निकली हो वहाँ तो नहीं दिखे, नहीं मिले। मोला तला निकलते हैं अपन। चलो
जब कहीं से कोई टाइगर का पता नहीं चल रहा था तो हम लोग आगे और बढ़ चले घने जंगल की तरफ। समय बीतता जा रहा था दोस्तों और हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मैं डेस्परेटली चाहता था दोस्तों कि मेरे अहमदाबाद के जो नए दोस्त बने थे उनको टाइगर अच्छे से स्पॉट हो जाए और हम टाइगर की खोज में बस चलते रहे। फिर हमने रुके, टाइगर के लिए कोई भी अलार्म कॉल सुनने का फैसला किया। काफी देर रुकने के बाद में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला दोस्तों। बता रहे अलार्म कॉल थी तो सुन रहा हूँ, अभी तो आई नहीं। डियर का कॉल हो रहा है अंदर से। अंकल ऐसा लग रहा है मेरे को कि दूर जा रहा है कॉल। आएगी थोड़ी देर, आएगी। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ पे डियर का कॉल हो रहा है अंदर से। होपफुली टाइगर या टाइग्रेस निकल आए। पानी के डब्बो, पानी को डाल। काफी देर इंतजार करने के बाद में भी दोस्तों टाइगर नहीं निकला। डेढ़ घंटे से घूम रहे हैं पर अभी तक फुटप्रिंट्स मिले टाइगर के और कई जगहों से कॉल भी आया बट टाइगर का कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी हमारी कोशिश जारी है। ये गाड़ी तो आई, नहीं तो फिर डंडा मारेंगे। क्या हुआ भैया? आज सुबह जंगल में हर कोई निराश ही था। अभी तक किसी को टाइगर सेटिंग नहीं हुआ था दोस्तों। हम उधर चला जा रहे थे, इधर कहीं गाड़ी नहीं दिख रही, कहाँ है? अच्छा, कौन वाले? अच्छा, और कहीं? हम सब इसी आस में थे कि कहीं से कुछ टाइगर के लिए अलार्म कॉल आ जाए और फिर अचानक सुनिए। हमारी सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी दोस्तों और हमें ऐसा लग रहा था कि बस अभी टाइगर या टाइग्रेस कहीं से निकल आएगा क्योंकि ये डियर का अलार्म कॉल कंटिन्यू था और बहुत पास से था। देखिए आगे क्या हुआ। इधर से डियर कंटिन्यू कॉल कर रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ मिरेकल का। काफी देर डियर का अलार्म कॉल सुनने के बाद में दोस्तों हमको शक होने लगा टाइगर है कि नहीं। चीतल बहुत बहुत डर डर के कॉल करने के लिए सोचता नहीं है, नहीं भी दिखेगा, स्मेल से भी कॉल कर देता है ना। लिजर्ड भी देख लिया, स्नेक भी देख लिया ना, हाँ, उसको भी देख के कॉल करता है। स्नेक को भी? कौन? डियर। चीतल? ना चीतल। अंकल जैसे कॉल अभी इतनी दूर से आ रही है पीछे से, हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर टाइम ना कॉल जिधर से आती है उधर ही खड़े हो जाते हैं, पर जिधर से कॉल आ रही है गारंटीड है वहाँ पे तो टाइगर नहीं होगा, थोड़ी दूर पे होगा, आगे पीछे 200-300 मीटर देख कर के डियर बोलता है ना। हाँ, कहीं कहीं पास में भी रहता था टाइगर, तभी भी बोलते हैं। बैठा हुआ देख रहा है 50 मीटर 100 मीटर पर में, उस पर भी अलार्म कॉल करते हैं। लिपट हो पेड़ में तभी भी देख लिया, तब भी वार्निंग कॉल करते हैं। या कहीं से गंध आती है, अभी हवा चल रही है ना, गंध आ रही है ना, तो उसको भी देख के आवाज़ करते हैं। जो टाइगर है ना यूरोपियन स्टाइल में रहता है, लाइन जो है ना सबको अपना लेके चलता है, नाना नानी मौसा मौसी दादा दादी सबको लेके। ये तो बीवी को भी छोड़ देता है, ये समय आने पर बीवी को भी छोड़ देता है, बच्चे को भी छोड़ देता है। तभी बीवी के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है ना, जब अपना सब पेट दोनों अपने कमाने खाते हैं। उसमें क्या होता है कि लाइलेंस जो होती है ना वो कमाती है, जो मेल होता है वो बैठ के खाता है। अच्छा, ऐसे? हाँ, लाइंस में ही है। सबसे ज्यादा शिकार वो फीमेल करती है। फीमेल्स ही डोमिनेंट, मतलब एक्चुअली डोमिनेंट नहीं, फीमेल्स ही सारा हंट वगैरह सब कुछ फीमेल करेंगे। या लाइन भी करता है मगर बहुत कम, बहुत कम।
उसका सिर्फ काम है अपने प्राइड की, अपने एरिया की प्रोटेक्शन करना, दैट्स इट। देन हाउ अबाउट टाइगर, टाइग्रेस, ये दोनों, ये सेपरेट, दोनों ये दोनों अपना अपना, बट अपना अपना करेंगे, अपना अपना कमाएंगे खाएंगे, बट नहीं, नो, नॉट सेल्फिश। अभी काफी सारे मेल टाइगर्स ऐसे जिन्होंने अपने बच्चियों को पाले, माँ के मरने के बाद पाले, ऐसा बहुत होता है। मेरा हमारा सा एक टाइगर था, तो करीब मानसून में वो टाइग्रेस मर गई थी, वो 3-4 महीना वही पाला, जब पार्क खुला तब हाँ चालू थे, बैठा कोई जानवर। वो गेट के पास की बात है, 2006 और 7-8 में वो मर गई। हाँ, लास्ट में एक टाइग्रेस ने उसको कनकट्टी करके उसको मार डाली। और मैंने तो ये भी सुना था कि कनकट्टी ने उसको मार दी थी ना, उसकी आँख फोड़ दी थी, वो लंगड़ी ने एक आँख फोड़ दी थी, फिर इसके बाद उसका जो लंगड़ी का बच्चा था ना, फिर कनकट्टी को मार डाला। और कनकट्टी ने मारने के बाद में लंगड़ी को खाया भी था। खाया था, क्या बात है, ऐसा होता ही नहीं, वो नहीं नहीं है, है। अभी वो जनवरी में अभी दुश्मनी थी वो दोनों की, कि उसने मार, पहले लंगड़ी ने उसको मारा कनकट्टी को अपने प्राइड से जब हकाला, फिर उसके बाद में इसने सेकंड अटेम्प्ट में इसको मारा, और मारने के बाद में खाया भी। ये मेरे को नहीं पता था, बाकी अदर्स दे डोंट ईट खाया मतलब हाँ, आधा खा नोचा नोचा उसको ना 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 आधा मारते, अभी कुछ बोल नहीं सकते। इनकी लाइफ कितनी होती है, 14-15 साल में बस बस वाइल्ड लाइफ में जो मैं माप यहाँ पे 14 इयर्स है मैक्स टू मैक्स जंगल में 15 नहीं 15 16 70 तक आई थिंक 12-13 12-13 तो होते ही है, मगर कहीं कहीं 15-16 तक को यहाँ पे वो एक फीमेल थी, उसका रिकॉर्ड है 19 इयर्स। कौन सी फीमेल थी अंकल? ओ अपने बनवी फीमेल, हाँ 19 साल वो जंगल में जी, मतलब रिकॉर्डेड। आपका ये सोखी पटिया भी लॉन्ग टाइम तक थी। फिर ये लोग क्या आई मीन मर जाते हैं, इन्हीं की औलाद मार देती है, क्या बात है, फाइट्स में। हाँ, जैसे डॉटी ने अभी आज के डेट में पहला लीटर, टाइगर नहीं नहीं पहला लीटर दी थी, 3 मेल दी, वो अपना चले गए बाहर, D1 जिसमें एक बेटा है दिखता उसका, और इसके बाद 4 बच्ची, इतनी बड़ी एरिया बनाती है कि मैं अपनी औलाद को ही दे दूँ, किसी दूसरे की औलाद ना आ सके। जानवर में सबसे बड़ा ये नेचर होता है। और इसके बाद वो 4 बच्चियों को छोड़कर आगे ताला जोन में, वो आगे गई बफर गई, बफर में उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, तब फिर ताला जोन के लिए ट्राई की, और 4 बच्चियाँ भी हैं उधर ही मगधी जोन में, वही गर्मी आएगी तो 4 बच्चों को पता चल जाएगा। दोस्तों, काफी देर टाइगर का वेट करने के बाद और टाइगर के ऊपर में गॉसिप्स करने के बाद में हम लोगों को टाइगर का कोई पता नहीं चल रहा था। आज टाइगर हमसे नाराज था और टाइगर आज हमको नहीं दिखना चाहता था, पर हमारी कोशिश फिर भी जारी थी। देखिए आगे क्या हुआ। वाओ, बार्किंग डियर का छोटा सा बेबी। माँ नहीं दिख रही इनको, इस ब्यूटीफुल बार्किंग डियर के बेबी को देखने के बाद में हम आगे चल पड़े। देखिए आगे और क्या क्या हुआ। 2003 की जो वीडियो है ना, उसके बच्चे को गांव वाले ने मार डाले थे ताले। टाइगर के बच्चे को गांव वालों ने मार दिए थे, मार दिए थे। और धान के खेत में वो थी। और हाथी गई थी 4-5 की उसको वापस लाने के लिए। उसने नीचे जमीन से जंप करके क्या फ्लाइंग शॉट मारती है। हम इस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये इसका हाथ खत्म हो गया पूरा। और फिर दोस्तों हम थक हार के आखिरकार आ गए सेंटर पॉइंट हमारा टी और ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये हमारे आचार्य भी है, आपको भी डाल दूंगा ब्लॉग में। दोस्तों, कोर और बफर के बॉर्डर पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं टूरिस्ट को ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम ब्रेकफास्ट करके दोस्तों एक बार फिर हारी हुई उम्मीद से टाइगर की खोज में चल पड़े, पर अब हम जानते थे कि टाइगर के मूवमेंट का समय खत्म हो चुका है, अब हमको टाइगर मिलने के चांस बहुत कम थे। फिर इस ब्यूटीफुल सर्पेंट ईगल को देख के हमने हमारी सफारी एंड की दोस्तों, और फिर हमारे दोस्त लोगों को नेक्स्ट सफारी में टाइगर मिलता है क्या, देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा जरूर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।